हे गाइस, इट्स प्रीति एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। एंड जैसे कि अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि सभी OBE स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से दो एग्जामिनेशन पोर्टल लॉन्च किए गए थे, जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया भी था। एक SOL वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था एग्जामिनेशन पोर्टल और एक पोर्टल था NCVAP एंड रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज हम दोनों के बारे में जानते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है दोनों तीनों स्टूडेंट्स को, चाहे वो NCVAP में हो, रेगुलर में हो या फिर SOL में हो। तो सबसे पहले हम SOL की बात कर लेते हैं, बट इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे SOL के एग्जामिनेशन पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने पोर्टल लॉगिन कर लिया है। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे लिखा है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग द DU पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं इस पोर्टल को यूज़ करने के लिए। ठीक है, आगे यही है कि मॉक टेस्ट का जो लिंक होगा वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेप में बताया हुआ है कि कैसे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो चलो हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ आप देख पा रहे होगे यहाँ आपको दो ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि या तो आप साइन इन कर लो अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है तो। ठीक है, साइन इन कैसे करोगे? एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू। तो आई एम श्योर कि बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक साइन इन नहीं किया होगा, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, राइट? न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहा है कि स्टूडेंट अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का यूज़ करे फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? अब रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोड चूज़ करेंगे कि कौन से स्टूडेंट हो आप, सेमेस्टर मोड या फिर ईयर। तो सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया है मैंने। देन आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, मीन्स कि कौन से प्रोग्राम से हो आप, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल है। BA अंडर ग्रेजुएट अगर हो आप तो BA, BCOM। ठीक है, यहाँ मैं BCOM प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन आपको यहाँ पे अपना नेम सेलेक्ट करना है, मींस जो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड पे मेंशन है। सो ध्यान रहे कि नेम आपका एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड वाला ही होना चाहिए। अगर कोई भी गलती होगी एक स्पेलिंग में भी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो आप यहाँ अपना नेम सेलेक्ट कर लोगे जो एडमिट कार्ड पे मेंशन है। देन आप अगेन यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करोगे। एग्जामिनेशन रोल नंबर कैसे आपको देखना है मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता दिया है, सो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जामिनेशन रोल नंबर चेक करने में। ठीक है, देन आप यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल कर दोगे। नीचे जो कैप्चा दिया हुआ आ रहा है इस कैप्चे को भी आप फिल करोगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, देन आपको यहाँ नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप नीचे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा आपके रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर पे। ठीक है, उस नंबर पे जो पासवर्ड आएगा आपका, वही पासवर्ड आपको आगे लॉगिन करने के लिए रखना है। तो उस पासवर्ड को संभाल के रखिएगा, एग्जामिनेशन वाले दिन भी आपको उसी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। ठीक है, सो अब आपको यहाँ से बैक करना है। जब आप बैक करोगे तो यहाँ जो आपका साइनिंग का ऑप्शन आ रहा था, तो यहाँ आप साइन इन करोगे। सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालोगे यहाँ पे, देन जो पासवर्ड अभी आपको रिसीव हुआ था आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे उस पासवर्ड को यहाँ फिल करोगे। एंड लास्ट में जो कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चे को भी यहाँ फिल करोगे आप। देन आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपके पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ से आप अपना रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हो। सो आई होप सभी SOL वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि उन्हें कैसे रजिस्टर करना है अपने मॉक टेस्ट एंड SOL ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। सो अब बात कर लेते हैं रेगुलर एंड NCVAP के स्टूडेंट्स की, कि उन्हें कैसे रजिस्टर करना है खुद को मॉक टेस्ट एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए अपने एग्जामिनेशन पोर्टल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड क्रोम पे पेस्ट कर देंगे।
जब आप यहाँ इस लिंक को पेस्ट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ये ओपन होके आ जाएगा। ये देखा होगा आपने, लास्ट जो हमने ओपन किया था SOL वालों के लिए उसमें भी ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम था। तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ करनी है, सारी डिटेल्स एज इट इज़ फिल करनी है। एज इट इज़ मीन्स कि जो आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल हो, आपका नेम, ठीक है, एडमिट कार्ड पे जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन होगा वो आपको लिखना होगा। देन आप यहाँ पे साइन इन करोगे। अगर साइन इन आपने ऑलरेडी नहीं कर रखा है, मीन्स ऑलरेडी आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया है, देन आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे, इस पर क्लिक करोगे। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मोड सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। क्लियर है आपको सारी चीज़? तो ये ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। फिर यहाँ से आप बैक करोगे, यहाँ पे आप लॉगिन करने के लिए आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालोगे और जो पासवर्ड आपके फ़ोन पे रिसीव हुआ होगा टेक्स्ट मैसेज, वो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, कैप्चा फिल करोगे एंड लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। सो ये था आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिला होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।